गुड आफ्टरनून बच्चों, आज हम लोग कोशिकी ऊर्जा का स्तर क्रम आरेख द्वारा देखेंगे। कल हम लोग एन प्लस एल के रूल के द्वारा देखे थे कि किस प्रकार कोशिकी ऊर्जा का वर्षा दर्शाया जाता है। तो देखिए, निम्न आरेख द्वारा कोशिकी ऊर्जा का वर्षा ज्ञात कर लिया जाता है। ठीक, यहाँ आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, 1s से ऊर्जा 2s में गई है। ठीक, यहाँ ध्यान से देखिए, इधर से तीर लगा हुआ है, ये तीर इधर से है। देखिए, 1s से 2s में जा रही है, ये तीर आपको दिखाने के लिए किया गया है। देखिए, फिर ये तीर इधर से लगा है, फिर ये तीर इधर से लगा। कहने का सेंस यह है कि 1s से वो 2s में जाएगा, 2s से वो 2p में जाएगा। देखिए, यहाँ पे है 2p से फिर वो 3s में जाता है, 3s से फिर वो 3p में जाएगा, 3p से फिर 4s में, और फिर इस प्रकार से 4s से हो उससे सिर्फ को से फिर वो 3d में जाएगा, 3d से 4p, 4p से 5s, 5s से 4d, 4d से 5p, 5d से इसे 6x, 6x से 4f, 4f से 5d, 6p, 6p से 7s। ठीक, और 7f से 5f, 5f से 6d, 6d से 7p, फिर 8s। ठीक, और आगे भी आ सकता पड़ी तो इस ऊर्जा स्तर के क्रम को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी तक 7s तक की ही जरूरत पड़ती, बहुत जरूरत पड़ी नहीं पड़ी है। ठीक, तो इस प्रकार से हम आरेख के द्वारा दर्शाते हैं। एक बार आप पूरा देख लीजिए इसको, 1s से 2s, 2s से 2p, 2p से फिर 3s, 3s से 3p, 3p से 4s, 4s से 3d, 3d से 4p, 4p से 5s, 5s से 4d, 4d से 5p, 5p से 6s, 6s से 4f, 4f से 5d, 5d से 6p, फिर 7s। ठीक, 7s से फिर 5f, 5f से 6d, 6d से 7p, 7p से 8s। ठीक, इस प्रकार से ऊर्जा कोशों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम हम अब उसको इस ग्रेटर देन चिन्ह के द्वारा दर्शित करेंगे कि इसमें से ऊर्जा उसमें कैसे जाती है। ठीक, तो 1s इज ग्रेटर देन 2s, 2s इज ग्रेटर देन 2p, 2p इज ग्रेटर देन 3s, 3s इज ग्रेटर देन 3p, 3p, 4s इज ग्रेटर देन 3p, फिर 3d इज ग्रेटर देन 4s, फिर 4p इज ग्रेटर देन 3d, 5s इज ग्रेटर देन 4p, फिर 4d इज ग्रेटर देन 5s, फिर 6s इज ग्रेटर देन 5p, फिर 4f इज ग्रेटर देन 6s। ठीक, फिर इसके बाद 5d इज ग्रेटर देन 5b इज ग्रेटर देन 4f, 6b इज ग्रेटर देन 5d, फिर 7s इज ग्रेटर देन 6d, फिर 6d इज ग्रेटर देन 5f, फिर 7p इज ग्रेटर देन।